हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, जैसा कि मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा कि भाई रातों रात हो गया है बवाल सोशल मीडिया पर। अब ये बवाल क्या है? बवाल ये है कि कल रात कुलसुम नायक भी जो है वो लाइव आई, सना सिस्टर भी लाइव आई, और इसके साथ ही कल बॉस ने भी एक वीडियो बना के डाली थी जिसमें कि वो किसी को गालियां निकाल रही थी अच्छी खासी। अच्छा, मुझे जिन लोगों के मैसेज और कमेंट्स आए हैं कि मैं कुलसुम नायक की लाइव डालूं, तो भाई मैं एक बात बता दूं, सोचा तो था मैंने कि मैं डालूंगी, लेकिन मैं तो देखो सच ही बोलूंगी कि जो चीज है वो है। उस लाइव में गाली गलौच इतना है कि वो मैं अगर मैं कट कर करके भी डालूंगी ना, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, शायद एक दिन पूरा चला जाए मेरा एडिट करने में। तो इतना टाइम मेरे पास भाई नहीं है। मतलब उस लाइव में गाली गलौच बहुत ज्यादा हो रखी है। जैसा कि कुलसुम नायक का आपको पता ही है नेचर कैसा है, और जब भी वो गुस्से में होती हैं तो फिर भाई माँ बहन तो करती ही हैं लोगों की, तो वैसा ही है, बहुत ज़्यादा गाली गलौच है। इसीलिए मैं उस लाइव को तो मैं नहीं डाल सकती अपने इस पे, लेकिन हाँ, अगर छोटी छोटी क्लिप्स अगर मुझसे एडिट हुई, मुझे टाइम लगा, तो मैं ज़रूर डाल दूंगी। और किसी को अगर पर्सनली चाहिए कि हमें कुलसुम नायक की वो चाहिए, लाइव चाहिए, हम देख नहीं पाए हैं, तो आप लोग जो है वो मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर लेना, मैसेज कर देना कि सिस्टर हमें कुलसुम नायक की वीडियो भेजो, लाइव भेजो, तो मैं उनको पर्सनली भेज दूंगी वहाँ पर इंस्टाग्राम पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो चीज़ डालना जो है वो नहीं अलाउ नहीं है, गाली गलौच डालना। अच्छा, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हिमाचल वाली कुड़ी 07, तो आप लोग जाकर जो है वो सर्च करिए, फॉलो कीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई जैसा कि आप सबको पता है, अब रातों रात हुआ बवाल। अब बवाल किस चीज को लेकर हुआ? आपको पता है कि जो सायरा सत्तानी के नाम पे जो वारंट निकला था ना उस दिन, अब उसकी जामीन भी तो चाहिए थी ना, तो वो वारंट जो था वो अरेस्ट होने का ही था, क्योंकि भाई 3 टाइम वो वहाँ पर नहीं हुई थी, प्रेजेंट नहीं हुई थी हेयरिंग जब भी इन लोगों की हुई, तो जाहिर सी बात है वारंट निकल गया था अरेस्ट करने का। अच्छा, अब जामीन किसने दी? जो ये बेल पर बाहर निकली है सायरा सत्तानी, तो भाई इसकी जामीन, इसकी सियोरिटी जो ली, गारंटी बोलते ना, गारंटी वाला बंदा चाहिए, तो जो गारंटी ली है ना वो ली है, वो है ना एक बदसूरत सी लेडी, क्या नाम है उसका यार, भूल भी गई मैं, जिसके साथ मेरा पंगा चला हुआ था, मैंने वीडियोस बनाई थी, नाम भूल गई यार मैं। अरे वो जो क्रीम व्रीम का बिजनेस करती है यार, पूरा सुरा वाला, सॉरी यार नाम भूल गई थी, जो सुरा वाला है वो, उसने जामीन करवाई है सत्तानी मैडम की। तो भाई अब जाहिर सी बात है, किसी के दुश्मन से तुम पंगे लोगे है ना, तो फिर सामने वाला तो बजेगा। अब सूरा वाला ने सायरा सत्तानी की जामीन करवाई, बेल करवाई, तो भाई यहाँ पर रेहाना खान बॉस हो गई आग बबूला। जाहिर सी बात है सत्तानी जो है वो रेहाना खान बॉस की जो है वो क्या बोलते हैं उसको, दुश्मन है, और दुश्मन क्या, और अगर दुश्मन की बेल कोई करवा रहा है भाई, तो वो भी सामने वाला भी दुश्मन है। अब तो जो कहते हैं ना कि तेरे तो एल लग गए, वो वाली बात हो गई है। अब सत्तानी तो थी रडार में रेहाना बोस की, लेकिन अब जो है वो सूरा वाला भी रेहाना खान बोस की रडार में आ गई है, और अब ये लोग सारे मिलके ऐसी बजाने वाली है ना इन दोनों औरतों की, कि बस क्या ही मैं बोलूं, आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को मजा आने वाला है। और कुलसुम नायक लाइव आई थी भाई, तो कुलसुम नायक ने तो बहुत ज्यादा माँ बहन करी है, सबसे ज्यादा खैर उन्होंने अपने लोगों को ही बोला है, जो भी उनकी माँ रही होगी सोतेली माँ, या जो भी उनके भाई रहे होंगे सोतेले, उनके बारे में बोला है। अब वो चीजें भी क्यों बोली गई हैं, क्योंकि जो मनोज सोलंकी है, जो इनका एक्स हस्बैंड या जो भी ये लगा लो यार, जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है, वो उसके घर में इसका कुलसुम नायक का सोतेला भाई जो है वो राखी बंधवाने गया था सोलंकी की वाइफ से। अब जाहिर सी बात है यार, भाई मेरा है, भले ही सोतेला ही सही, भाई तो है, तो अगर वो सामने वाले मतलब मेरे दुश्मन के
घर में राखी बंधवाने जाएगा तो गुस्सा आएगा, तो फिर कुलसुम नायक भी भड़क पड़ी इसी बात को लेकर के, ठीक है। तो फिर उन्होंने अपनी भड़ास जो है वो लाइव में निकाली, और लाइव में उन्होंने बहुत अच्छे खासे धोया है, सबको ही धोया है। सायरा सत्तानी को बोली है, फराना सुरावाना को बोली है, और भी लोगों को बोली है, बहुत सारे लोगों को कुलसुम नायक ने जो है वो बोला है जो कुछ भी कि हाँ इनकी तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, क्या इनका सीन रहने वाला है। अच्छा जी, तो कुलसुम आपा जो है वो लाइव आ गई। कुलसुम आपा की लाइव खत्म होने के बाद जो है वो लाइव आई हमारी सना सिस्टर। तो जैसे ही सना सिस्टर लाइव आई तो भाई फिर तो हंगामा ही मच गया। सना सिस्टर ने जो है वो सायरा सत्तानी की ऐसी बजाई है गीली गीली बोल के कि मजा आ गया देखने में, ठीक है। और अगर आप लोगों को देखना है तो आप सना सिस्टर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा करके देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। और वो अभी उन्होंने बताया है कि वो जो है वो 5 तारीख तक रुके हुए हैं, 5 तारीख के बाद वो यूट्यूब में आएंगे और इन लोगों की बजाएंगे अच्छी खासी, दोनों की ही, ठीक है। क्योंकि वो तो एक तो जानबूझ के पंगे ले रही है बैठे बैठाए, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं है फिलहाल, और जानबूझ के पंगे ली जा रही है, उखाड़ लो मेरा उखाड़ लो, बस लाइव में यही बोल रही है, और तो इससे कुछ होना जाना है नहीं, इसके करने का कुछ है नहीं, बस यही बोल सकती है और बोलेगी भी क्या, और बोल भी क्या सकती है। तो अब ये दोनों एक हो गई हैं, दोनों टॉप की आर जो है वो दोनों एक हो चुकी है। और इधर अपना देख लो कितने 4-5 बंदे हैं, सना इमरान हो गए, कुलसुम नायक हो गई, मरियम आपा उनके हस्बैंड हो गए, रेहाना खान बोस हो गई, और खैर इन लोगों के साथ तो बहुत सारे लोग हैं। फिर जहां पर ये 4-5 लोग इकट्ठे हो गए तो इन लोगों के साथ तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन दोनों के साथ कौन है ये हमें नहीं पता भाई, कि क्योंकि सत्तानी का तो कोई अपना है ही नहीं खैर इस दुनिया में, इस जहान में उसका कोई नहीं है अपना, और ना कोई उसके साथ खड़ा होने की वो रखता है कि भाई हम लोग ये सत्तानी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है सत्तानी की औकात क्या है, वक्त आने पर किस तरीके से लात मारेगी वो उन लोगों को पता है, तो कोई इसका साथ नहीं देने वाला। और रही बात सुरावाला की, सुरावाला भी साथ क्यों दे रही है इसका, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि सना इमरान ने जो है इनके बेटे के, इसके बेटे के ऊपर केस किया हुआ था, सत्तानी के बेटे के ऊपर, तो इसीलिए इसको लगा कि भाई अगर मैं सत्तानी से मिलूंगी तो सत्तानी मेरे साथ खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि कुलसुम आपा का वाला जो पलड़ा था वो तो उलट गया, कुलसुम आपा के नाम पे इसने बहुत सारी ढेर सारी सिंपथी बटोरी कि कुलसुम आपा मेरे साथ हैं, कुलसुम आपा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसने, सुरावाला ने बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया लोगों के माइंड में, है ना। लोगों को ये लगा कि भाई कुलसुम नायक जो है वो सुरावाला के साथ है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया सारी बातें सारी चीजें क्लियर होती गई कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है। तो और कहते हैं ना कि कर्मा जब भी मुझे ये कर्मा वर्ड याद आता है ना तो मुझे पुरानी मेमोरीज थोड़ा सा मेरी जो है वो हाईलाइट हो जाती है। तो कर्मा ही है। अब सत्तानी का जो कर्मा है वो उसके बच्चों पर पड़ रहा है आगे, अब सुरावाला का जो कर्मा है वो उसके बच्चों पर पड़ रहा है आगे, है ना। तो यही बात मैंने बहुत पहले अपनी वीडियो में बोली थी, तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई थी यार। और हाँ, सुरावाला तो लाइव आके पता नहीं क्या क्या, आपा मेरे बच्चों को कर्मा बोली, आपा मेरे बच्चों को कर्मा बोली, तो क्या गलत बोला था, ठीक ही तो बोला था। अगर तेरे कर्म सही रहते, तूने अच्छा काम किया होता लाइफ में, तो नहीं मिलता ना ये सारी चीजें, नहीं होती ना। तो भाई ये नसीब की बात है, जो चीजें माँ बाप करेंगे वो बच्चों को भुगतना पड़ता है, जैसा कि सत्तानी किया, सत्तानी ने आग लगाई, सत्तानी ने, लेकिन अब भुगत कौन रहा है, उसके बेटे भुगत रहे हैं, पब्लिक की भी सुननी पड़ती है, 4 लोगों की भी सुननी पड़ती है, और केस तो उस बोबले के ऊपर लगा ही हुआ है ना। तो भाई ये दोनों तो हो गई हैं आपस में एक। अब जो ब्लॉग अभी कल या कल डाला था, शायद रात को कोई ब्लॉग डाला था इसने, जिसमें ये बोली थी ना कि मेरे घर आए थे मेहमान, और ये ऐसे वो पता नहीं बिरयानी थी या क्या था वो लेके जा रही थी एक ही बर्तन में, बड़े से बर्तन में, मैं भी उनको टेस्ट करवाऊंगी, उनसे रिव्यू लूंगी। तो वो उस दिन शायद यही गई थी, सुरावाला ही उसके घर गई हुई थी, सत्तानी के घर। अब मेरा माइंड काम किया, रात मैंने वो व्लॉग देखा इसका, बट आधा ही देखा था, मैंने पूरा देख नहीं पाई मैं,
लेकिन हाँ वहां तक जरूर देखा था जहां पर। और फिर एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि भाई ये कैसे मेहमान है जो दिखाई नहीं देते। तो बहुत सारे मेहमान चाची 420 के ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो अब मेरे माइंड में घूम रही है ये बात कि सूरा वाला उसके घर गई थी, ठीक है, और तभी तो फिर बाद में लाइव में आके मतलब इतनी चोट में आ गई जामीन लेके चाची 420 कि भाई अब तो मैं हूँ, उखाड़ लो मेरा, क्या उखाड़ने कर लो। अरे शुक्र मनाओ कि सना इमरान जो है वो शांत बैठे हैं, अगर वो लाइव आना चालू हो गए ना तो फिर कहाँ भागती फिरेगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा पहले की तरह, है ना। क्योंकि तेरी आदत पता क्या है, तेरी आदत है इनडायरेक्ट तरीके से बिना नाम लिए लोगों को उंगलियां करना, लेकिन इन लोगों की ऐसी आदत नहीं है। फिर ये तो नाम लेकर मुंह पे बोलते हैं कि भाई हम किस लिए किसके लिए बोल रहे हैं, ये वाली बात है, ठीक है। तो ये है, तैयार हो जाओ अब जो भी होने वाला है आने वाले टाइम में, बस कुछ दिन की बात है, 5-7 दिन, 4-5 दिन रह गए हैं। और अगर इन लोगों ने एक बार बोलना शुरू किया तो फिर इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा भाई, ठीक है। और रही बात सूरा वाला की, तो वो तो एक नंबर की डरपोक फट्टू हो रहा था, फट्टू उसने जो मुझे ब्लॉक मारा है ना डर के मारे, साली तो इतनी हिम्मत वाली होती ना और इतनी ही तेरी जी में दम होता तो मेरे को रखती, मेरे को क्यों इंस्टा से ब्लॉक किया, फिर देख मैं तेरी रोज कैसे बजाती ना अच्छी खासी, तो तू डर के मारे तूने ब्लॉक किया मुझे। बट चलो अच्छा है, सुन के बहुत अच्छा लगा कि भाई सब जो है ना सब एक हो चुके हैं अब। खैर एक तो ये लोग पहले ही थे, लेकिन अब इन सब के जो दुश्मन है, इन सब के जो दुश्मन है वो दो ही इंसान है और वो दोनों इकट्ठे हैं। तो अब तो भाई, और खासकर बॉस तो छोड़ने ही नहीं वाली है उस दूसरी को, सुरावाला को, जिसने उसके दुश्मन की बेल करवाई है। अब तो सुरावाला के तो एल लग चुके हैं बहुत गंदे तरीके से भाई। उसको बचाने कौन, सत्तानी को बचाने तो सुरावाला चली गई, लेकिन सुरावाला को बचाने कौन आएगा, ये देखने वाली बात है, ये देखना बनता है। तो चलिए जी, आज की वीडियो में तो इतना ही। और हाँ, ये मैं देखूंगी अगर कुलसुम नायक की वीडियो मुझे लगी थोड़ी बहुत डालने लायक, वैसे तो मैं नहीं डाल सकती यार, क्योंकि हर 10 सेकंड के बाद जो है वो गाली गलौच है, तो उसको मैं एडिट भी नहीं कर पाऊंगी, मतलब इतना ज़्यादा है। लेकिन हाँ, जिसको भी चाहिए मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए कि कुलसुम नायक की लाइव दीजिए, तो मैं दे दूंगी वहाँ पर आप लोगों को, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ठीक है, और इसके साथ ही आईडी को भी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम की। चलिए जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।